एसजीएलटी। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में फ्लेवर नहीं है, जानते हैं आप सब लोग। एक व्यक्ति ने, अभी ये टॉपिक मैं नहीं लेता था, एक व्यक्ति ने कहा कि सर आप में भी तो ड्रिंक्स है, जूस वगैरह तो आप भी बनाते हो, वो भी तो फ्लेवर्ड होंगे। सर हमारा एनर्जी ड्रिंक आता है, जानते हैं आप सब लोग, रेडबुल आता है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक। उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे तो हैं, उसके अलावा हमारे जूस के ऊपर अनार और रेड ग्रेप्स छपा हुआ है, ये आ गया मेरे सामने। थैंक यू। अब आपको लेना हो तो पिकअप सेंटर से ले लेना। अब देखिए, कई लोग पूछते हैं कि सर आपको जूस मशीन बोलते हैं, इतना जूस आता कहां से है? तो थोड़ा बहुत तो इधर से भी आता है। तो ये है हमारा एनर्जी ड्रिंक, 120 रुपए का आता है, इससे कम क्वालिटी वाला, और ये हमारा कितने का आता है, 56 रुपए का। उसके अंदर जो चीज है वो तो है ही, इसमें साथ में इसमें ओरिजिनल अनार का जूस डाला गया, फ्लेवर नहीं डाला गया, ओरिजिनल रेड ग्रेप्स का जूस डाला गया, फ्लेवर नहीं डाला गया, और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें। अब आप सोचो कि सर फिर कैसे सर्टेन वो, मतलब इसको किस तरीके से ये सर्वाइव कर पाए, सर्वाइव तो वैसे इंसान करते हैं पर रह कैसे पाएगा। सर 500 साइंटिस्ट है जो कंपनी ये बना रही है, पता ना आप लोगों को, ये कौन सी कंपनी बना रही है, मैं न्यूटी चार्ज का है, न्यूटी चार्ज जो है ना मदर कंसर्न की क्या है, इपका है, और इपका आप सोचोगे सर ये तो आरसीएम का है, तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा। इपका लेबोरेटरीज 500 से ज्यादा साइंटिस्ट है पूरी दुनिया में, 150 से ज्यादा देशों में इनकी अपनी मेडिसिन चलती है, पता है आप सब लोगों को। और इपका लेबोरेटरीज का जो न्यूट्राश्यूटिकल का विंग है वो पूरा का पूरा लाइफ टाइम एग्रीमेंट आरसीएम के साथ है, ये आरसीएम का प्रोडक्ट है, क्योंकि इपका का जो मालिक है ना वो हमारे टीसी छाबड़ा जी के सगे साले। yes. अपनी होगी। तो अपनी होगी ये चीज, तो कुल मिला के उसको छोड़ो, कई लोग सोचते हैं कि नहीं जी आप तो, हमने सुना था सब कुछ आरसीएम का ही है, तो आरसीएम का ही है। हेलो। तो न्यूट्रिशन जो है ना इतने शानदार हमारे बनते हैं, हमारा स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट के अंदर ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी का पाउडर डाला गया, फ्लेवर नहीं डाला गया, कोकोआ प्रोडक्ट में ओरिजिनल कोकोआ का पाउडर डाला गया, फ्लेवर नहीं डाला गया, हमारा हेजलनट बना जो शेक है उसमें ओरिजिनल हेजलनट डाला गया, बनाना कैरिल में ओरिजिनल बनाना डाला गया। हेलो। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार, हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। और मैं यही कहता हूँ कि सर आप ठीक है, हम बताते हैं मानव स्वभाव से लालची होता है, ह्यूमन नेचर है, ये चीज सबसे पहले समझ में आती है, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर इन आवर लाइफ, और यही कारण है कि हमें पैसा बताना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, क्योंकि इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज ये तो सबसे बात की बात है यार, स्वास्थ्य से ऊपर कुछ हो सकता है क्या? आरसीएम में सबसे आपको क्यों करना चाहिए, दैट इज द सफिशियंट रीजन टू डू आरसीएम बिजनेस, की आपको पहली बार बिचौलियों से आप बचते हो। दो तीन आपको चीजें बता देता हूं, इसको ध्यान में रखना, आरसीएम में कुछ फायदे हैं। पहला फायदा, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। यस। क्यों? क्योंकि मिडलमैन बीच में से हट जाते हैं, गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, ग्वाला करता आप सब लोग जानते हैं, और यहां तो बीच में ग्वालों की पूरी फौज है। हेलो। तो ओरिजिनल मिलेंगे, लेना चाहिए। सफिशियंट रीजन है कि हमें आरसीएम के प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए। दूसरी चीज, हेल्थ। आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनका। ये भी अपने आप में काफी है कि हमें आरसीएम करना चाहिए। तीसरी चीज, 10 से लेकर 20% को आपको डिस्काउंट भी मिलता है। ये सुनो, जैसे ही आप आरसीएम ज्वाइन करते हैं तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे आपको छूट पे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कितने का है? 70 रुपए का है, वैसे गलत बता दिया इन्होंने, 55 का, ये छूट के बाद आपको 55 का मिलेगा, जबकि मार्केट में आप अगर रेड बुल लेने के लिए जाओगे तो आपको 120 का मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। हेलो। और ये हमारा सिर्फ 70 रुपए का है, आपको 10 से लेकर 20% डिस्काउंट में मिलेगा, तो कितने का मिलेगा? 55 रुपए का, 56 का। इसी तरह से आप किसी भी एग्जांपल को देखो, मार्केट में टाटा वालों का नमक आता है, कितने का आता है? टाटा ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक,
40 के आसपास है सर, 42 के आसपास। देखिए सर, कोई 42 कह रहा, कोई 40 कह रहा, कोई 35 कह रहा, 30 मान ले। हेलो, पूरे इंडिया में अलग अलग रेट है। ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक टाटा का कितने का मिलता है, मान लेते 30 का मिलता है, 40 का भी मिलता है, 35 का भी मिलता है। आर सिम का ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक मात्र 25 का है, और 10-20% छूट आपको मिलेगा 17 का। हेलो, कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं आप? मैंने एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरे घर पे मेरी मम्मी एक दिन, मेरी मम्मी जो की जींद रहती है, बाधोगढ़ में मैं रहता हूँ, मैक्स में, तो बाहती रहती है, तो एक बार आई और मेरी मैडम को बोली, मेरे लिए तो ये चाय बनाना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी चाय आ गई भाई, मम्मी कह रही है आरसी में तो कई तरह की चाय आती है। हेलो, आती कि नहीं आती है? आरसी में अपनी जियो लाइट टी ले लो आप, पॉपुलर टी ले लो आप, डिटॉक्स टी ले लो आप, गुडशिप टी ले लो आप, हाजमा गोली की चाय भी बना लो, ये सर नो, कई तरह की चाय बना सकते हैं आप लोग। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसी कौन सी है? तो मेरी मम्मी को कोई दूसरी कंपनी वाला एक प्रोडक्ट दे के गया, और पता क्या कह के दे के गया कि आपको डायबिटीज रहती है हाई लेवल पे, ये लोगे तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी, और मैं ये 50% लेस पे आपको दे दूंगा, मात्र 885 रुपए की है, मैं आपको 400 की दे दूंगा। मेरी मम्मी खुश, यार 885 रुपए की चीज 400 रुपए मिल रही है। हेलो, और मेरी मम्मी ने ले ली वो, और मेरी मम्मी खुश कि सच्चा सौदा हो गया। तो मेरे घर आई, तो मेरे घर में मैंने देखा यार ये क्या, अब वो थी, नाम भी ले लेता हूँ चलो, हर्बल लाइफ की चाय थी, हर्बल लाइफ की डिटॉक्स टी, 885 रुपए रेट, 884 रुपए उसका रेट, और 50% लेस में वो 400 रुपए में दे के चला गया। मेरा माथा ठनका, यार आरसीएम के घर पे डब्ल्यूसीएम का सामान। तो मैंने अपनी डिटॉक्स टी निकाल ली और मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू किया दोनों का, पर जितनी चीजें उसमें ना, वो सारी चीजें हमारे में भी, जबकि उसमें जो 885 रुपए की, पता नहीं 48 रुपए की, 800 की मान लो, 800 वाली जितनी वो थी ना, उसमें शुगर है, और शुगर के लिए दी गई, हमारी वाली में शुगर नहीं है, जीरो। और दूसरी, उसके अंदर कैफीन है जो एडिक्ट बना देती है, और रेगुलर एक ही टाइम पे लोगे तो उसके अंदर कैफीन है, वो ठीक है, एनर्जी देगी एकदम से, पर आपको एडिक्ट बना देगी अगर एक ही समय पे लोगे तो। हमारी वाली में कैफीन नहीं है, यानी कि उससे अच्छी, और हमारी कितने की, मात्र 98 रुपए की, उनकी 800 समथिंग। आइए सर, वेलकम, बैठिए प्लीज, एक बार तालियां बजाएं सर। मैं आपको परिचय करा दूं, मेरे साथ आए थे ना जो मेरे साधु साहब है, वैसे साधु साहब तो साधु साहब होते हैं। आपके हरियाणा में यहाँ भी सर्विस करके गए, वैसे क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हैं अभी सर, और अभी आरसीएम ये भी हेल्थ अवेयरनेस की तरफ ध्यान देते हैं, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अभी उनके मित्र आए हैं, आपका स्वागत है सर। हाँ डॉक्टर साहब, अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? अभी हमारे बीच में एक डॉक्टर आए थे, कहाँ गए वो डॉक्टर साहब? हाँ वो बैठे डॉक्टर साहब। तो एनीवे सर, मैं आपको बता रहा था, अभी दोबारा पॉइंट पे आते हैं, जैसे मैं ये पी रहा हूं ना सर, मैं पहले तो डिटॉक्स टी पे जाता हूं, तो उनकी डिटॉक्स टी थी 800 कुछ रुपए की, और हमारी है मात्र 98 रुपए की, और 10-20% डिस्काउंट पड़ने के बाद वो कितने की पड़ती है, 78 रुपए की, 78 की है, और उसमें कैफीन नहीं है। अब मैं आपको कुछ तो बताता हूं, जैसे कैफीन है, अल्कोहल है, अफीम है, निकोटीन है, ये ऐसे सत्व हैं जो नुकसानदायक नहीं है वैसे हमारे, इसमें ये जो मैं पी रहा हूं ना, इसमें भी कैफीन है वैसे, ये मेडिसिन का काम करती है लेकिन एक लिमिट में। पर इन ये जितने भी नाम मैंने बताए ना, अफीम, निकोटीन, कैफीन, अल्कोहल, इनको अगर एक ही समय पे हर रोज रेगुलर लेना शुरू कर दिया तो 21 दिन के बाद ये आपको एडिक्ट कर देगी। हेलो, एडिक्ट का मतलब उसके बाद वो आपको चाहिए ही चाहिए, आदि बन जाओगे। जैसे आप में से बहुत से लोग होंगे जो चाय के आदि हैं, उस टाइम आपको चाहिए ही चाहिए, ये सुनो।
तो उसमें एडिक्ट बनाने वाले गुण है तो आदमी के 800 का है, वो 1800 भी देगा फिर। लेकिन हमारे पास इसके अंदर कैफीन है, एनर्जी ड्रिंक है, हम ओपनली बोल के बताते हैं, हम एजुकेशन देते हैं कि भाई इसको बच्चों को मत दो, बोलते हैं ना हम, बोलते हैं गर्भवती महिलाओं को मत दो, हम कहते हैं कि रेगुलर एक ही टाइम पे कभी भी मत पियो, हेलो 3 से ज्यादा मत पियो, बोलते हैं ना, आपको बताते हैं। मैं पीता हूँ, हालांकि मैंने 6-6 भी पी रखे हैं, हेलो भाई एक बात बताओ, जैसे बोलते हैं कि भी अल्कोहल आदमी इतनी लेता है तो मेडिसिन का काम करती है, तो लोग इतनी भी तो लेते हैं पूरी तो मैं ले जाता हूँ कई बार अपना भी, हाँ पर मैं एडिक्ट नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे नहीं लेता था। एनीवे सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा फायदा 10 से लेके 20% डिस्काउंट मिलता है। चौथा फायदा 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस आता है, हेलो क्योंकि जितना भी आप अपनी खरीदारी करोगे आज से पहले, जैसे मैंने इस भाई को वो बनाया था दुकानदार, अब आप आ जाओ, नया आदमी है, बार बार बुलाऊंगा तुम कहेंगे कि यार मेरी प्रैक्टिस करवा दी, मान लेते हैं ये दुकानदार है, मैं इससे सामान, सच में ही हो अच्छा मैं इससे सामान खरीदता हूं तो बताइए बिजनेस किसका होता है? यस, इसका होता है। पैसा कौन कमाएगा? ये कमाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा होता है खर्चा और इसका होता है बिजनेस। यस, लेकिन अब जैसे ही आप आरसीएम में आए, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में आए, अब जब आप सामान खरीदोगे तो सामान खरीदोगे तो आपके खर्चा तो होगा ही होगा, एज वेल एज उससे आपका बिजनेस भी होगा। यस और नो? तो वो बिजनेस जितना भी होगा उस बिजनेस के आधार पर 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस आएगा। हेलो, ये डिपेंड, थैंक यू वेरी मच, ये डिपेंड करता है आपके टर्नओवर के ऊपर। अगर ये दुकानदार, एक बार और आ जाओ आप रिपोर्ट कर लो, कई बार उठाऊंगा आपको, ये दुकानदार है, कब से दुकानदार हो? सर मैं पिकअप सेंटर चलाता हूँ 2019 से। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे दुकानदार? भी थे वो, कब से कर रहे थे वो? जब मैं 11 साल का था उस टाइम से वो कर रहे थे। ये जब 11 साल के थे, अभी कितने हो गए? 111 अच्छा 35 साल के, 11 साल के थे, अभी ये लगभग 24 साल हो गया आपको ना, 24 साल से, यानी कि 11 साल के जब थे लगभग 20 साल इनके पापा जी ने दुकान खोली। अब सिंपल सा, दुकान की है तो उन्होंने पैसा भी लगाया होगा, सुबह से शाम तक टाइम भी लगाते होंगे, फिर जाके इनका कुछ टर्नओवर होता होगा कुछ लाख का। ये सुनो, मेरे को एक बात बताइए, इनके पापा जी की मान लेते हैं आज भी दुकान हो परचून वाली, या आप जिससे दुकान से सामान लेके आते हो उसको थोड़ी देर के लिए सोच के रखो, वो दुकानदार अगर सामान खरीद रहा हो बेच रहा हो तो आपका वो दुकानदार जिससे आप सामान खरीदो उसकी 1 करोड़ की सेल कब तक हो जाएगी, कितने साल बाद हो जाएगी? हेलो, सबको सांप सुन गया कि कभी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अगर उनकी सेल ज्यादा होगी तो उनके साइड में दूसरी दुकान खुल जाएगी। यस और नो? लेकिन हम आरसीएम में आपको खरीदार बनाते हैं, जैसे ही आप, आपकी एक इनविजिबल दुकान खुल जाती है, आप जो सामान खरीदोगे वो आपका टर्नओवर, उसके बाद आप पूरे वर्ल्ड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आने वाले समय में, वैसे मेरे को सही शब्द निकल गया, पूरे वर्ल्ड में एक निकल गया तो इसलिए बता ही देता हूं, वैसे हमें अलाउड नहीं है पर आप समझ ही गए, जब अलाउड नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं। हेलो अभी मैं रिसेंटली भिलवाड़ा से आया हूं, बता आप लोगों को, और भिलवाड़ा से आया हूं तो बहुत चीजें भरी पड़ी अंदर। हेलो, 4 दिन था, कंपनी सीएमडी के साथ हमारी मीटिंग थी, आप सब लोगों को पता है कि मैं यूनिक एजुकेशन सिस्टम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो आरसीएम की कोर टीम में हूँ, तो बहुत से महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं तो हमें शामिल किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है, लेकिन मेरा चलान कट जाएगा मैं बता दूंगा समझ गए, तो इसलिए नहीं बताता पर शायद आप समझ गए। हेलो यस, तो आपका पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो अगर वो सामान खरीदेगा तो आपका टर्नओवर होगा। यस और नो? वहां एक दुकानदार शायद पूरी जिंदगी लगा दे उसका करोड़ रुपए टर्नओवर नहीं होता, यहाँ आपका करोड़ भी होगा अरबों रुपए भी टर्नओवर हो जाएगा, पता आप लोगों को, थैंक यू वेरी मच सर। तो उस टर्नओवर के आधार पे आपको 2 से लेके 45% आपके अकाउंट में वापस आएगा। नेक्स्ट फायदा, पांचवा फायदा, इसीलिए बोलता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से क्या वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार। पांचवा फायदा, हर 6 महीने में 1 महीने का राशन फ्री। हेलो, पता ना आप लोगों को, हर 6 महीने में 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री। अब ये डिपेंड करता है कि आप लेते कितना, अब कैसे पता चलेगा कि 1 महीने का आप कितना राशन, ये डिपेंड करता है आप कितना खरीदते हो। यस, और 6
छठा फायदा सर, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको जो आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी देता है, आपके सपने पूरे करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं विजय विरोधिया क्या था मैंने अपनी स्टोरी में आपको बताया। हेलो, पांचवी क्लास में रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था, आठवीं क्लास में अखबार बांटने के लिए किस्तों में साइकिल खरीदी थी मैंने, ग्यारहवीं क्लास में क्या बोलते हैं बच्चों को कराटे सिखाना शुरू किया था, पढ़ाई पूरी करने के बाद कराटे का सेंटर चलाता था और कंप्यूटर का सेंटर चलाता था। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जैसे आप लोगों की चल रही है, समय नहीं था मेरे पास, हाईली बिजी, सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक कुछ काम करने की फुर्सत नहीं थी। 8 फरवरी 2001 को आरसिंह का प्लान देखने का मौका मिला, एक ही चीज समझ में आई थी कि नुकसान कुछ नहीं है, हो सकता है तो सिर्फ फायदा होता है। हेलो, और मैंने ज्वाइन कर लिया और काम करना शुरू किया पार्ट टाइम, सिर्फ संडे वाला दिन मेरे पास होता था। ब्रीफ शॉर्ट में मैं अपनी स्टोरी भी कंप्लीट करता हूं जिस जो आपको इंस्पायर करेगी। बिल्कुल पार्ट टाइम शुरू किया, संडे वाले दिन मेरा फ्री होता था समय, संडे वाले दिन एक मीटिंग होती थी जिनमें हर संडे को मैं उस मीटिंग में जरूर बैठ जाता था, बस यही किया और कुछ नहीं किया। खूब लोगों को प्लान दिखाया, खूब लोगों ने मना भी किया क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज होती है। हेलो, मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में मना करते हैं, ना ना करना लोगों की आदत होती है, मैंने भी खूब लोगों की ना सुनी, लेकिन मीटिंग में जाने के बाद पता चलता था कि यार बहुत से लोग आते भी हैं। कुछ लोग मेरे से नहीं समझते थे, उसको मीटिंग में ले आता था और ऐसे धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में 1 साल में लीडरशिप अचीवर बन गया, स्टार पिन अचीवर। स्टार पिन का मतलब है कि लगभग 15,000 के आसपास की इनकम, कंप्यूटर और कराटे से मिला के मैं 10,000 के आसपास की इनकम लेता था, 15,000 आरसीएम से आने लगी, दिमाग घूम गया, मैं सोचा छोड़ के फुल टाइम आरसीएम करूंगा। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे रोक लिया, सुरेंद्र वसी ने, कि नहीं शांत गदाधारी भीम शांत अभी ऐसे भी क्यों, क्योंकि बिजनेस अब डाउन चलता है, ये सुनो, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई आपका डाउन हो गया तो आप कहोगे कि हमारा मतलब आरसीएम की वजह से तो मैंने अपना धंधा भी छोड़ दिया। हेलो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं ये सिस्टम पार्ट टाइम करने का अभी मत करो। तो मैंने अपनी कंप्यूटर सेंटर पे मेरी जगह एक टीचर रखा और मैंने बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, मैं इसमें रॉयल्टी पे पहुंच गया। जब मैं रॉयल्टी पे पहुंचा तो तब तक मेरे परिवार में मेरी वाइफ और मेरे मम्मी पापा भी सपोर्ट नहीं करते थे मुझे आरसीएम के लिए, उनको ये लगता था कि यार ये इतना बढ़िया कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके और कराटे के अंदर इतना सेंटर चलाता है, इतने अच्छे अच्छे नाम है, बढ़िया नाम है, अखबारों में मेरे इंटरव्यूज आते थे, उस जमाने में मेरी अखबारों में खूब न्यूज छपती थी, बड़े अच्छे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर मैंने पैदा कर दिए थे, डीसी साहब भी अगर जींद के अंदर कोई प्रोग्राम करवाते थे तो वो मुझे भी बुलाते थे उसमें, मतलब जैसे शहीद स्मारक पे कई न्यूज है, अगर आपने अखबारों में कई बार देखा, मैं कई बार शेयर कर देता हूँ, तो इस लेवल का नाम भी था। और मैं आरसी में लोगों को साबुन तेल के प्लान दिखा रहा हूँ, हेल्थ के प्लान दिखा रहा हूँ, तो मेरी पत्नी को भी समझ में नहीं आता था यार कहाँ तू इंजीनियर, कहाँ कपड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। हेलो, लेकिन उसी दौरान सर मेरे को जॉन्डिस हुआ, रॉयल्टी पे था मैं, पी लिया, समझते हैं आप लोग, डॉक्टर साहब समझते होंगे, आप भी समझते होंगे, हाईली लेवल पे हो गया था, हेल्थ कॉन्शियस, मतलब हेल्थ मेरी ठीक ठाक थी, स्पोर्ट्समैन था, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहा, सुबह 5 बजे उठ के कराटे सिखाने, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर पे बैठा रहना, उसके बाद घूमना फिरना सारा काम करता रहता, तो काफी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया। डॉक्टर ने बाद में मेरे को वार्निंग दे दी कि अगर अब तुम उठ के घूमोगे ना तो मर जाओगे, चुपचाप बेड पे पड़े रहो, उठना है तो वॉशरूम तक और बैठना है तो सिर्फ खाना खाने के लिए, अदरवाइज रेस्ट करो। लीवर ने काम करना छोड़ दिया था, 6 महीने कंप्लीट बेड पे रहा सर, 6 महीने तक मैं कहीं नहीं गया, कोई आरसीएम का प्लान नहीं दिखाया, कोई मीटिंग नहीं दी, देन आई वॉज रॉयल्टी चूअर। मेरी इनकम उस समय आरसीएम से लगभग 20-22-26 हजार के आसपास थी। इस 6 महीने के दौरान मेरे कंप्यूटर के बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, हेलो, दूसरे के कंप्यूटर सेंटर पे ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैं आ ही नहीं रहा था, काफी बिजनेस मतलब उससे इनकम लगभग जीरो समान होगी। कराटे के स्टूडेंट ने भी मुझे पैसे देना बंद कर दिया, मेरा कराटे और कंप्यूटर जहां पे मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल लगा दिए, बचपन से पढ़ाई की तब जाके मैं कराटे कंप्यूटर इंजीनियर किया बना था। हेलो, और कराटे सीखने के लिए मैंने पता नहीं कितने लोगों के दांत तोड़े, खुद के भी तुड़वा डाले, अगले दोनों नकली मेरे। हेलो, खूब मैंने मतलब मेहनत की कुल मिला के, और इन दोनों कामों से एक झटके में पंगा। लेकिन मजे की बात, आरसीएम जिसके अंदर मात्र 2 साल मैंने काम किए थे और वो भी पार्ट टाइम, और यहां पे मैं रॉयल्टी पे पहुंच गया और इन 6 महीने कंप्लीट बेड पे था, मेरी हाईएस्ट इनकम 32,000 भी पहुंच गई।
और उस समय आप ध्यान से सुनना, उस समय मेरे माँ बाप को और मेरी पत्नी को समझ में आ गया कि ये सिस्टम कितना बढ़िया है, कि भी यार ये बेड पे पड़ा पड़ा भी इनकम दे सकता है तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि उस समय जिन लोगों को मैंने हेल्थी प्रोडक्ट बता दिए, मैं बेशक बीमार हूं, उस समय वो आरसीएम के कपड़े पहनते थे, बाकी काम करते थे। हेलो, मेरा बिजनेस नहीं रुका, चलता रहा। उसके बाद हमारे अपने हमने पढ़ाई की होगी, उसमें बोलते हैं कि किसी काम के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, सुना होगा। मैं आरसीएम के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ा, पूरा दांत धो के पड़ गया। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फुल टाइम आरसीएम करना शुरू कर दिया, फुल टाइम। जो मेरा अभी मेरा परिचय दे रहे थे ना कबीरा साहब, और भी कई लोग बोलते थे विजय जी के सबसे ज्यादा मीटिंग्स होती हैं, मेरी इतनी लंबी लंबी लिस्ट है, 2026 तक की डेट्स मेरी फाइनल हो जाती हैं, पता ना आप लोगों को। yes, अभी 2026 की भी डेट, 2024 में 2026 की डेट दे दी थी मैंने, संडे मेरे पहले ही फुल हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन है, वो देख के आप सोचते हो कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, ऐसा नहीं है वैसे। पर उस समय जिस समय मैंने हाथ धोके नहीं नहा धोके पीछे पड़ा था ना, तो महीने में 30 दिन की बजाय मैं 35-35 दिन घर से बाहर रहता था, ये सच है। और वो ठप्पा मेरे ऊपर आज भी लगा हुआ है। टीसीजीबी किसी से मुझे परिचय करवाते ना, अभी भी व्हाट्सएप ने मेरा भीलवाड़ा में परिचय करवाया कुछ नए लोगों के साथ, तो उन्होंने भी स्टेज से यही बोला कि ये विजय विरोधिया जी हैं, मेरे सबसे फेवरेट लीडर है, और ये जितने महीने में दिन होते हैं ना उसमें से 30 दिन होते हैं तो 28 दिन घर से बाहर रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ऐसा था अब नहीं है। हेलो, ऐसा किया मैंने, और किया तो उस समय जिस समय मैं रॉयल्टी चोर था, मैं जींद का हूं सर, जींद के बहुत से लोगों को आप जानते होंगे। हेलो, मेरे से पहले बहुत से लोग टेक्निकल अचीवर बन गए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का। मैंने इतनी मेहनत की सर, वर्क सुपरसीड एवरीथिंग, ये सेंटेंस याद रखना, काम आपको आगे बढ़ाएगा, करने से होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है। मैंने काम करना शुरू किया, बाहर निकलना शुरू किया, मीटिंग सेमिनार की तैयारी करनी शुरू की, कहीं प्रोग्राम होता था मेरे को पता चल जाए वहां मेरा एक आदमी है तो मैं वहां जाके तैयारी करता था और उसको मीटिंग में लेके बैठता था। और ऐसे करते करते धीरे धीरे ये विजय विरोधिया से पहले जो लोग टेक्निकल अचीवर बन गए थे ना, वो टेक्निकल अचीवर रह गए, मैं पर्ल बन गया, सबको क्रॉस करके आगे चला गया। उसके बाद बहुत से लोग मेरे से पहले पर्ल बन गए थे मेरे बैच के। हेलो, मेरे बैच के मतलब जो मेरे साथ के लोग थे, जो मेरे से पहले पर्ल बन गए थे वो पर्ल ही रह गए, मैं स्टार पर्ल बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले स्टार पर्ल बन गए थे वो स्टार पर्ल ही रह गए, मैं इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे वो इमराल्ड ही रह गए, मैं स्टार इमराल्ड बन गया। और पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी मेरे बैच का मेरे से पहले रूबी बना था, सिर्फ एक, वो रूबी रह गया, मैं स्टार रूबी बन गया। डाल थी, काम आप करोगे कहा जाता है जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। हेलो, मैं वो बन गया। उसके बाद जब मैं स्टार रूबी था, मेरे से पहले हिंदुस्तान में तीन व्यक्ति सफायर बन गए, नाम नहीं बताऊंगा, तीन लोग मेरे से पहले सफायर बन गए। बाद में मैंने मेहनत की, मैं भी सफायर बन गया, सफायर की लिस्ट में मेरा नाम भी शामिल हो गया। और उसके बाद उसी तरीके से मेहनत करता रहा और वो सारे के सारे सफायर वहीं के वहीं रह गए, अकेला विजय विरोधी स्टार सफायर। मैं अपनी जीव नहीं आंक रहा हूं, मैं काम करने का तरीका बता रहा हूं। अगर आप घर से, मेरा एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है, घर की माटी रोटी देती है स्मृति नहीं देती, घर में पड़े रहोगे तो रोटी मिलती रहेगी, भूखे नहीं मरोगे, लेकिन घर से बाहर निकलोगे तो हो सकता है एक दो समय की रोटी ना मिले लेकिन स्मृति मिल जाएगी। हेलो, काम करने से होगा, बिना काम किए नहीं होगा, तैयार है। लोगों की ना सुनने से होगा, सतीश पंडित जी एक चीज कहते थे कि कामयाबी उनको मिलती है जो ज्यादा ना सुनते हैं। अब लोग सोचेंगे यार ना सुनने से कैसे कामयाबी मिलेगी, कामयाबी तो हाँ सुनने से मिलेगी, लेकिन ह्यूमन नेचर है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग तो मना ही करेंगे। तो आप लोगों के साथ काम करो ना, एक फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, कामयाबी का एक फॉर्मूला है, प्लान दिखाओ, नो प्लान नो बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, यस और नो। लोग मना करेंगे, आपकी सेहत पे असर नहीं होना चाहिए, इसको प्लान दिखाओ, आता है तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, 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 ये फॉर्मूला याद रखना। हेलो, आगे से आगे बढ़ते चले जाओ, आपको गर्व होना चाहिए आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हो जिस देश में हर चीज की कमी हो सकती है, इंसानों की कभी भी कमी नहीं होगी। इतनी जनसंख्या भरी पड़ी है सर, बचपन से देखता है और प्रोडक्शन फुल स्विंग पे है।
मैं जब पैदा हुआ था स्कूल की हमारी दीवार पे लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार, शायद आपने भी सुना पढ़ा होगा, बहुत लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार। सरकार मतलब जब मैं बचपन से देख रहा हूं सरकार ने अरबों खरबों रुपया खर्च कर दिया फैमिली प्लानिंग के ऊपर, छोटा परिवार सुखी परिवार, बाद में फिर सेंटेंस बदल दिया दो ही बस। हाँ याद आ गया आपको, यस यस आपने पढ़ा, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं, हम दो हमारे दो, यस नो, रुके क्या नहीं रुके। उसके बाद अभी सोच रही है सरकार की लिख दे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, रुकेंगे क्या? दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमने पढ़ा है चाइना होता था, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी अभी कुछ महीने पहले आई, हम हो गए। हेलो, पता है आप लोगों को, जिस दिन हम हुए मैंने केक काटा, बहुत मजा किया, वाओ बल्ले बल्ले, दुनिया के सबसे विकसित सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग हो गए। झूठ बोलती है सरकार की पॉपुलेशन एक समस्या है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर समस्या होती तो चाइना इतना बड़ा विकसित देश नहीं होता। हेलो, ये झूठ बोला जाता है। हमारा भारत के अंदर अगर आप लोगों को पता हो, जब देश आजाद हुआ था ना तो चाइना से मजबूत देश था 200 साल की गुलामी के बाद भी। हेलो, ये इतिहास है, आपने भी पढ़ा है। चाइना हमसे कमजोर था लेकिन सबसे ज्यादा आबादी है उसकी, पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ उसने। हेलो, कोविड में देख लो सब अंदर बंद करवा दिया और फिर भी इतना आगे बढ़ता जा रहा है। और मजे की बात, हम भारतीयों ने उनको पीछे छोड़ दिया। किस मामले में? हाँ, जनसंख्या बहुत जरूरी है सर, जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। आपका नेटवर्क, अब खुद बताता हूँ सच बताता हूँ, हर चीज की कमी हो सकती है भारत में, इंसानों की कमी नहीं होती। जितनी देर मुझे बोलते हुए हो गए ना, सच्चाई ये है कि इतनी देर में इतने बच्चे पैदा हो चुके हैं कि इतनी देर में जितनी देर में बोला हूं कि वो भी आपके डाउनलाइन में हो जाए तो आप टेक्निकल। हर 3 सेकंड में एक आता है सचिन डॉक्टर साहब, हर 3 सेकंड में एक नया बच्चा आता है हमारे हिंदुस्तान में। तो कुल मिला के सर आपको एक ही काम करना है, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। यस, एक 6 बेसिक्स के अंदर और 8 कोर स्टेप्स के अंदर कोऑर्डिनेट रूल, ये हमारे 21 स्टेप्स है जो एजुकेशन हम लोग देते हैं। उसके अंदर एक स्टेप्स आता है फॉलो अप, आता है ना, बेसिक्स बेसिक में आता है 100% प्रोडक्ट यूज लिस्ट बनाओ और एसटीपी, शो द प्लान, शो द प्रोजेक्ट एंड शो द प्रोडक्ट। यस, एंड उसके बाद आता है फॉलो अप। तो फॉलो अप के बहुत से तरीके हैं एजुकेशन के हिसाब से, तो वो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग आपको सिखाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका मैं सिखाऊं सेमिनार के हिसाब से। जितने लोगों को आपने प्लान दिखाया ना, उनके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। yes. या तो ये कहेंगे यस, हेलो, या कहेंगे भाई नहीं मुझे नहीं करना। अगर वो यस बोलता है तो भी उनसे संपर्क में रहना है, उनको मीटिंग सेमिनार का इवेंट बताना है, उनको प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, उनको संपर्क में रखना है। और अगर वो नो बोलता है तो भी उनके संपर्क में रहना है। हेलो, तो कैसे संपर्क में रहोगे? जब भी वो आपको मिले तो उसको ये एहसास कराना है कि तेरे मना करने की वजह से मैं नहीं रुका, बस इतना सा जरूर काम करो। हेलो, बाकी फॉलो अप क्यों नहीं हो रहे यार, तू भी कर ले, मैंने किया था। हेलो, कोई जरूरत नहीं है सर, आपका पोस्चर हाई होना चाहिए। हम किसी को इतने बढ़िया प्रोडक्ट, एक ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जहां ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, हेल्थ अच्छी मिलेगी, बचत होगी, हेलो, जिंदगी बदल सकती है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तो जब भी वो मिले, दुनिया गोल है, कभी ना कभी टकराएगा। यस, तो जब भी वो मिले उससे ऐसे ही मिलो, और यार क्या हाल है, कैसा चल रहा तेरा डब्ल्यू से, मैं आर सिम सब बल्ले बल्ले चल रहा, फिर मिलते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बस इतना ही काफी। अगले को इतना सा एहसास करा दो कि भी तेरे मना करने के बावजूद भी मैं नहीं रुका, बस दैट्स ऑल। हेलो, नहीं तो वो कहेगा अच्छा मैं कह रहा था ना नहीं चलेगा तेरा, बैठ गया ना तू भी। हेलो, तो भाई इतना एहसास कराओ, फिर इसका रास्ता देख लो किधर से आता है, दोबारा फिर मिलो कभी ना कभी 5-7 दिन के बाद। और यार क्या हाल है, कैसे हो, कैसा चल रहा है, बड़ा यार मतलब कमजोर सा हो गया, कुछ गलत खाते हो क्या डब्ल्यूसीएम का, पर पता है यार वो हो आरसीएम के प्रोडक्ट, क्या मजा आ रहा है, फिर कभी बताऊंगा, अभी टाइम नहीं, इतना ही बोल, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हेलो, फिर कभी मिलेगा दुनिया को बोले। हेलो,
फिर मिले, फिर ओ यार कैसे हो पता है, ओहो आज तो यार फरीदाबाद में शानदार सेमिनार है, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी आ रहे हैं, पर यार वो टिकट ही खत्म होगी तेरी तो किस्मत में नहीं है, फिर देखेंगे। इतना ही हुआ, छेड़ दे रहो बस। और बताऊं चार पांच बार ऐसा कर दिया ना, फिर को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है, और कभी ना कभी ये खुद आपके पास आ गए, मैंने ज्वाइन कर लिया आपकी टीम में, नीचे हूँ, हेलो। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मेरे साथ हो रहा है, ये रियलिटी है सर, ऐसा होता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ नुकसान तो कुछ है ही नहीं, है तो सिर्फ फायदा ही फायदा। तो ऐसा आप इस तरीके से संपर्क में रहो, इस हिंदुस्तान में जितने भी नाम को आप जानते हो, जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे आप मेरा नाम ले लो, सुरेंद्र वर्जी का ले लो, राकेश शर्मा जी का ले लो, जितने भी लिस्ट बनाओगे ना आप, एक बार सबसे पूछना कभी भी, जैसे अभी मेरे से जो भी मिलता है ना, सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कोई मंत्र बताओ ना कामयाब। अगली बार ये पूछना, सर मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही आपको प्लान दिखाया गया था, क्या स्टार्टिंग में समझ में आ गया था? मैं कहता हूं 90% लोगों ने पहले मना किया था, मैंने भी मना किया था। सतीश पंडित जी का नाम आप सब लोग जानते हैं? Yes. 2 साल आरसीएम में रहे थे, पता है आप लोगों को? Yes. सिर्फ 2 साल आरसीएम किया, उसके बाद इस दुनिया से चले गए, और इस दुनिया से जाए उनको लगभग 19 साल हो चुके हैं, आज भी अमर हैं वो, पता है आप लोगों को? Yes. यानी कि जिस व्यक्ति ने सिर्फ 2 साल आरसीएम में बिताए और 19 साल उनके जाए हुए हो गए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता मेरे ख्याल में, 90% प्रोग्रामों में उनका नाम लिया जाता है। उनकी वाइफ जो कि एक गजेटेड ऑफिसर है, उनको गवर्नमेंट में है इसलिए उनको थोड़ा सा उनकी अपनी फाउंडेशन रहती है, वो आरसीएम में कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती, हाँ प्रोडक्ट यूजर 100% है और बड़े इवेंट में आ जाती, पीछे आई थी नेक्स्ट जनरेशन में, हाँ। वो बोली 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपया तो मेरे अकाउंट में बिना किया गया, सुना होगा ना उनको? Yes. ये पावर है सर इस सिस्टम की। Yes. वो सतीश पंडित जी जिनको आप सब लोग याद करते हैं, आपको पता है कि पहली बार प्लान दिखाया था तो उन्होंने भी मना किया था, पता है आप लोगों को? Yes. सुरेंद्र जी वस ने उनको प्लान दिखाया था, और ये उस समय दिखाया था जिस समय सुरेंद्र जी वस अच्छे लेवल पे पहुंच गए थे, और उन्होंने ये बात नहीं नहीं ये फालतू चीजें हैं ये मैं नहीं करूंगा, छोड़ो इनको, आप केबल का कनेक्शन दो, हेलो ये सच है, वो केबल का कनेक्शन लेने आए थे और सुरेंद्र वस जी उनको आरसीएम का कनेक्शन देना चाहते थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद किसी और ने उनको प्लान दिखाया, तब समझ में आया कि यार अगर एक बार मेरे को केबल वाले ने बताया था और वो खुद फॉलो अगर वो अब तक कर रहे हैं, फिर तो उसी के साथ करूंगा, ये नया आदमी है पता नहीं कल को छोड़ के भाग जाए तो मेरा क्या होगा, इसलिए आपका खड़े रहना जरूरी है, हेलो। Yes. इसीलिए आपको ये एहसास कराना है, इसीलिए उन लोगों को जिन्होंने मना किया है आपको, उनको ये एहसास कराना है कि तेरे मना करने की वजह से मैं नहीं रुका, हेलो। तो सतीश पंडित खुद ढूंढते हुए आए सुरेंद्र जी को और खुद आके फिर कहा कि अब मेरी ज्वाइनिंग करा दो, क्योंकि आप इतने साल से यही कर रहे हो, मतलब 1 साल से मैं देख रहा हूं यही कर रहे हो, हेलो। और उसके बाद अमर हो गए। इस सिस्टम की पावर क्या सर, ये विजय विरोधिया क्या था, मैंने बताया ना आपको, कराटे और कंप्यूटर, जिंदगी ऐसे ही थी, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन पावर ऑफ दिस बिजनेस, आज मैं आरसीएम के अंदर स्टार सफायर के लेवल पे हूं, लगभग 24 करोड़ रुपए मेरी टीम में हर महीने जाता है, कुछ लाख तो मेरे को भी आता होगा। इनकम बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पैसे में इनकम नहीं बताता क्योंकि इनकम ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन मुझे एक तरीके से बताते हुए बहुत मजा आता है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो सबसे ज्यादा नाम वाला है, सारे लोग जानते हैं, उस प्रधानमंत्री को तनख्वाह अपन देते हैं, वीडियो चल रहा है, इधर भी रिकॉर्डिंग हो रही है, कई लोग मुझे कहते हैं सर ये मत बोला करो कि किसी दिन उठवा लेंगे आपको, हेलो। मैंने कहा भाई देता हूं मैं, सीधी सी बात है, मैं उनको तनख्वाह देता हूं, कच्चा काम करता नहीं, रसीद लेता हूं, हेलो। अब कई लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो सोचेंगे कि सर क्या आप सिर्फ मोटिवेट कर रहे हो, प्रधानमंत्री को तनख्वाह कैसे दोगे? तो प्रधानमंत्री की तनख्वाह कितनी है पता है? हाँ 1.5 लाख थी जब मैं ये बोलना शुरू किया था, अभी चुपके चुपके उन्होंने बढ़ा ली, हेलो। तो तनख्वाह का क्या मतलब है कि सरकारी जितने भी तंत्र हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे एमपी एमएलए या चपरासी हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जो सरकारी लोग हैं, उनकी तनख्वाह कहां से आती है? टैक्स से। 150 करोड़ लोग जो डायरेक्ट, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट,
वो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से उनकी तनख्वाह जाती है, कोई भी राजनेता अपने जेब से नहीं देता। यस सर नो? यानी कि जितने भी सरकारी तंत्र है उसकी टैक्स, उसकी आप लोग तनख्वाह देते हो। 150 करोड़ लोग हमारे भारत के, वो टैक्स देते हैं, एक आदमी को छोड़ के प्रधानमंत्री, उसको मैं देता हूँ। अब इतने लेवल पे मेरे को पहुंचा दिया। अब ये कोई घमंड की बात नहीं, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब कई लोग सोचेंगे कि सर इनकम टैक्स तो साल में एक बार दिया जाता है, तो आप कैसे देते हो? तो भाई इसी प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर एक टैक्स लगाया था रिसेंटली, जिसकी वजह से मैं डायलॉग बोल पा रहा हूँ, और वो है जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में भी कई लोग सोचेंगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और मैं आपको बता दूं जिनकी इनकम 20 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है वो सब इस टैक्स के अंदर आते हैं। बता लोगों को, तो मेरी 20 लाख से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है तो मेरी मैं भी देता हूँ। तो जीएसटी भी मिला के, इनकम टैक्स मिला के, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स मिला के, कई बार तो सिर्फ जीएसटी भी मेरा प्रधानमंत्री की इनकम से ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज द पावर ऑफ दिस। तो हालांकि देखिए मैं पैसा बता के आपको प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन अगर वो मेरा ये सिस्टम मेरे को वहां से यहां तक पहुंचा सकता है तो हर व्यक्ति को पहुंचा सकता है। और अभी जैसा मैंने स्कोप बताया था 0.002% का ज्यादा, आधा परसेंट भी बिजनेस नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। भारत में जितना काम अभी हो सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद देखिए, हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते चाय, जियो इलायची मार्केट में मिलावट और डुप्लीकेट चाय आती है। आपके इस फरीदाबाद में एक महीने में कितने की चाय बिक जाती होगी, सोच के देखो थोड़ा सा, करोड़ों रुपए की। सच है, करोड़ों रुपए की सिर्फ चाय बिकती है, कहां से? फरीदाबाद से, हर महीने। जबकि वो मैक्सिमम डुप्लीकेट ओरिजिनल मतलब मिलावटी बिकती है। हमारे पास ओरिजिनल चाय है, जियो इलायची, बहुत बढ़िया, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। वो कितने की बिकती होगी इस फरीदाबाद? कुछ लाख की भी नहीं, कुछ हजारों की पाएगी। सारे पिकअप सेंटर पे जाके एक बार चाय का डाटा ले लेना, पता चल जाएगा 0.001% का डाटा आएगा सर। तो अभी स्कोप तो बहुत ज्यादा है। ये तो सिर्फ मैंने चाय का उदाहरण दिया है। आप साबुन ले, हर घर में इस्तेमाल होता है, और साबुन में भी इतनी वैरायटी सर। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे सबका टेस्ट अलग है। साबुन 3 तरीके से अच्छा लगता है, आपकी स्किन कैसी है, आपके वहां का पानी कैसा है, और आपका टेस्ट कैसा है। आरसी में लगभग 10-12 तरह के साबुन है, पता है ना आप लोगों को? अगर आपको कोई एक पसंद नहीं आता दूसरा ले लो। आरसी में 9 रुपए के साबुन से लेके और लगभग 65 रुपए के साबुन तक साबुन है। हेलो, और लेकिन मार्केट में सैकड़ों रुपए के साबुन भी हैं, पता है ना आप लोगों को? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आप लक्स इस्तेमाल करते हो, मैं एक उदाहरण देता हूं, बहुत जरूरी है क्योंकि समझ में आएगा ना तो पावर समझ में आएगी। मैंने एक दोस्त के घर पे गया, मैं एक दिन, उस दिन मैंने वहां लक्स देखा और मैंने उठा लिया। 75 ग्राम का लक्स जैस्मिन सोप था साबुन। मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स, आदत हो गई अब तो क्योंकि क्वालिटी का पता चल गया, पढ़ने लग गया तो उसमें देखा कि 3rd grade का साबुन था वो लक्स, और उसका रेट था लगभग मेरे ख्याल में 33 या 35 रुपए। 75 ग्राम 3rd grade का साबुन लक्स बेच रहा है 35 रुपए का। TFM है उसका 62% आई थिंक, आप देख लेना मार्केट में 62% TFM का टोटल फैटी मटेरियल, 75 ग्राम का साबुन 33 या 35 रुपए का लक्स का। और जैस्मिन सोप हमारे पास भी है, आरसिंह के पास है ना, 100 ग्राम का है, 1st grade का साबुन है, 76% TFM है। हेलो, और कितने का है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बता रहे हो क्या? 34 रुपए का। उनका है 33 का, हमारा है 34 का, लेकिन उनका 75 ग्राम का, हमारा कितना है? 100 ग्राम का। और फिर 10 से लेके 20% छूट आपको मिलेगा मात्र 26 रुपए का। हेलो, और क्या लूटोगे भाई? उसके बाद अगर किसी को डिटोल पसंद है तो आरसी में रेडमैक्स है। कोई और अच्छा जाना चाहता है, डव और पीएस जैसे साबुन इस्तेमाल करता है तो आरसी में क्रीम बार है जो 70-70 रुपए के आते हैं। हमारा सेंसेशन क्रीम बार कितने का है? 35 रुपए के आसपास का। कोई और अच्छा लेना चाहता है, अगर हाई क्वालिटी लेना चाहता है, मोरिंगा, आजकल मोरिंगा सोप फैशन में आया हुआ है। बहुत लोग हाई, जो जो बहुत अच्छी फैमिली होती है वो मोरिंगा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेट पे सर्च करना, अभी आप घर पे जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करो, 140 रुपए से रेट शुरू होता है मोरिंगा का। मोरिंगा साबुन 140 से शुरू होता है, और आरसिंह कितने का दे रही है आपको? मात्र 50 रुपए का। उससे भी और हाई जाना चाहते हो आप,
तो हमारे पास सियोना साबुन है, उससे भी और हाई जाना चाहते हो जो हाई बहुत बड़ी हाई क्वालिटी के मतलब बड़ी फैमिली होती है वो आजकल फैशन में आ गई है, वो बॉडी वॉश यूज करते हैं, साबुन यूज ही नहीं करते। हेलो, तो उससे सुना है कि मतलब वो फैशन है, पता नहीं, मैं भी ले आया एक दिन, मैंने कहा यार ये क्या होता है, तो फिर पता चला मतलब आप अपनी त्वचा को नागिन जैसी बनाना चाहते हो। हेलो, क्योंकि मैंने एक दिन यूज किया, मैं कह रहा यार ये क्या स्लिप कर रहे हैं, और तो जब तक खुरदरा ना हो तब तक समझ में नहीं आए, तो सबका अपना अपना रेट है। तो फिर आप हमारे बॉडी वॉश की तरफ चले जाओ। हेलो, उसमें स्पंज आपको फ्री में मिलता है, उसके ऊपर वो टपके टपका लगा दो, काम बस हो गया। यस, यानी हर तरह की वैरायटी आपके पास है। यस, तो इसी तरह वॉशिंग पाउडर में तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा यार। और सबसे बढ़िया चीज मैं क्यों बोलता हूँ, ओरिजिनल है, मिडिल मैन को साफ कर देता है, और दूसरा आरसिम के हर प्लांट के ऊपर लिखा होता है मैं मालिक हूं, पढ़ा हुआ। आपको पूरा अधिकार है कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, आपको दिखाया जाता है। आज तक कभी देखा आपने आरसिम के कितने प्रोडक्ट बनते हुए देख चुके, कितने लोग प्रोडक्ट बनते हुए देख, ये देखो सैकड़ों लोग तो यही बैठे हैं, जो नीचे भी बैठे हैं, जो पहले ऑलरेडी देख चुके। ओपन फॉर ऑल है, आप हमारे बिस्किट भुजिया नमकीन कुछ भी कैसे बनते हैं, मेटेरियल कैसा है, सब आपको ओपनली दिखाया जाता है। सबसे वर्ल्ड हिंदुस्तान में मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप 200 रुपए वाला बिस्कुट खा लो उससे बढ़िया हमारा बढ़िया है। और मैदे का भी बनता, मैदे का सड़े हुए मैदे का नहीं बनता। मैं पार्ले जी, हमारे बहादुरगढ़ में पार्ले जी है, एक दिन मैं गाड़ी लेके घुस गया उसमें, मैंने कहा मुझे दिखाओ, बोले अलाउ नहीं है। फिर पता चला कि स्पेशल अगर ऑर्डर ले लेते हैं हम लोग तो बच्चों की विजिट होती है, वो प्रोडक्ट को बनते हुए दिखाते हैं, मटेरियल नहीं दिखाते। आरसिम में जाके आप मटेरियल भी देख सकते हो, वो सड़े हुए मैदे में बनता है, हमारा आटे का बना हुआ और दुनिया के सबसे अच्छे खाने के तेल हेल्थ गार्ड में बना हुआ बिस्किट हो हमारा वो प्रोडक्ट। बिस्किट में भी हमारे पास वो बटर वाला फाइबर बिस्किट भी है, कोकोनट बिस्किट भी है, चॉकलेट बिस्किट भी है, हीरा बिस्किट भी है। यस और नो? इसी तरह से हमारी भुजिया और नमकीन सर हेल्दी हेल्थ गार्ड में बनी हुई है। नूडल्स, इतने अनहेल्दी नूडल्स हैं मार्केट में, मैगी जानते होगे ना, बैन हो गई थी पीछे, क्यों बैन हुई सब लोग जानते हैं, वापस क्यों आई ये भी शायद सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है बेचारी, रिश्वत तो दे ही नहीं सकती, और भारत के नेता इतने बढ़िया है कि वो रिश्वत लेते ही नहीं। हेलो, समझ गए आप सब लोग, तो वो मार्केट में दोबारा आ गई, 25 रुपए किलो वाले सड़े हुए मैदे में बनती है, और हमारी नूडल्स हिंदुस्तान में एकमात्र नूडल्स है जिस नूडल्स के अंदर 2 कटोरी दाल जितना तो प्रोटीन है, किसी में नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ हमारे पास। यानी कि हमारा नूडल्स का एक पैकेट अगर आपका बच्चा खाता है तो यूं समझ लो 2 कटोरी दाल खा ली, 9 ग्राम प्रोटीन एक पैकेट में मिलता है, किसी भी में नहीं मिलेगा, आटे में बनी हुई, हेल्थ कार्ड में बनी हुई, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स है। इसीलिए कहता हूं जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते। अब पावर, मैंने आपको बताया था कि मेरा